गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है PBR स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने पार्ट 14 तक पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 3.4 कक्षा 6 की NCERT मैथ खत्म हो चुकी है। आज 3.5 पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होंगे, समझाया जाएगा दोनों तरीके से, बस आपको कोशिश करना है समझने की, ठीक ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि हेयर आर टू फैक्टर ट्रीज ऑफ 60, राइट द मिसिंग नंबर। तो यारों, फैक्टर ट्री तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री का मतलब कुछ ऐसे समझना कि जैसे घर में दादा दादी होते थे, है ना। तो दादा दादी के बाद कौन आया, पापा मम्मी लोग आए, उसके बाद अब हम लोग ना। तो कहने का ये मतलब है कि जो जैसे आप एक पेड़ देखते हो, तो पेड़ में नीचे जड़ें होती हैं, ऊपर तना होता है ना, फिर ऊपर क्या होता है, यहाँ से डालें निकलती हैं थोड़ा मोटी मोटी, फिर ऊपर और पतली, फिर टहनियाँ निकलती हैं, ऐसे ट्री बनता है ना। तो वैसे यहाँ पे कुछ है। देखो, यहाँ पर जो मुख्य संख्या है यानी दादा दादी जो हैं वो कौन हैं, 60 हैं। और अब इनके जो दो पार्ट हो रहे हैं, मतलब ये मान लो मम्मी पापा लोग आ रहे हैं, वो 6 और 10 हो गए। समझते जाना आगे, ठीक ना। फिर क्या है, अब इस 6 के दो पार्ट हो रहे हैं, तीन, मतलब दो जगह इसको डिवाइड होगा। तो एक जगह तो इसको 6 में डिवाइड करके दो लिखा जा रहा है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा बताइए। यानी कहने का ये मतलब है सीधा सीधा कि दो का किस में गुणा करें कि 6 हो जाए, इसका ट्री का मतलब यही हुआ। और इसमें देखो, जैसे 10 है तो 10 में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो इसमें भरना है कि इस पर कौन सा नंबर आएगा। आप लोग वैसे भी गेस कर सकते हो कि ये 10 है और ये 5 है ना। अरे यार, जैसे मान लो यहाँ 10 है ऐसे, तो एक 5 हो गया, एक कौन सा नंबर होगा जिसका इसमें गुणा कर दें तो 10 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि फैक्टर ट्री में क्या क्या होगा, इसमें भरा जाएगा, वो आप समझ गए। इसमें 2 भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, 3 भरेंगे ना, यही तो करेंगे ना। तो भर लो फटाफट, इसमें 3 भरोगे, इसमें 2 भरोगे, अब ये फैक्टर ट्री हो गया। क्यों, क्योंकि 5 का 2 में गुणा करोगे ये 10 आ जाएगा, ये 6 का 10 में गुणा करोगे ये 60 आ जाएगा, ये 2 का 3 में करोगे ये 6 आ जाएगा। मतलब कहने का, नीचे वाले को आपस में गुणा करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक ना। समझ गए, आगे बढ़े फिर हम लोग। इसमें का एक और फैक्टर ट्री है, उसको भी ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करना, ठीक ना। और अगर आप इस क्लास को डेमो के रूप में देख रहे हैं यूट्यूब या फिर फेसबुक पर कहीं भी, तो PBR स्टडी ऐप्स को अभी इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर पर दिया गया है, उसकी लिंक आप वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं। ऊपर नंबर दिए गए हैं, अगर आपको पूरा मैथ सीखना है, वास्तव में आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही संपर्क करें और चलें अगले ट्री की तरफ बढ़ते हैं हम सब। अगला फैक्टर ट्री क्या है, ध्यान से देखो। इसमें भी नंबर वही है 60, इसमें भी ये दो तरफ को फैल रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, ठीक ऐसे। अब देखो समझना, यहाँ 60 है, कह रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, जबकि यहाँ पे 30 है। देखो यार, सीधी सी बात है, अब 30 का गुणा हम किस में कर दें कि 60 हो जाए, आप समझ गए होंगे, 2 होगा, क्या होगा, 2 ना। उसी तरह का अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ देखो, इसमें ट्री में यहाँ 10 दिया है, क्या दिया है, 10 दिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क पे क्या भरेंगे। अब वैसे अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे ये दोनों में पूछा है क्वेश्चन मार्क पे क्या भरेंगे, तो आपको समझना है, सोचना है और विचार करके लिखना है फटाफट क्या भरेंगे। चलो ट्राई करके बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो फटाफट, और फिर हम ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे 2 भरोगे, क्यों 2 भरोगे, क्योंकि 30 का 2 में गुणा करोगे तभी तो 60 आएगा, है ना। यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या भरोगे, 10 का गुणा किस में कर दें कि 30 हो जाए, छोटी छोटी सी नंबर है तो 3 हो जाएगा। इसमें बड़ी मुसीबत है कि इसमें कुछ भी नहीं पता है, 10 को 2 पार्ट में तोड़ो, चलो बताओ 10 को कोई 2 संख्या जिसको गुणा करें 10 आ जाए, कोई भी 2 संख्या, इसको आप 9 भी कर सकते हो, 9 गुणे 1
10 होगा नहीं होगा, गुणा करके लाना है। 10 और 1 कर सकते हो लेकिन 10 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, तो एक ही ऑप्शन है 5 और 2। 5 और 2 करोगे 10 होगा, या 2 और 5 करो। ये फैक्टर ट्री पूरा हो गया है। जो रेड कलर से भरे गए हैं वही क्या थे, मिसिंग नंबर थे, ठीक ना। वो क्या थे, मिसिंग नंबर थे, यानी कि गायब संख्याएं थी जो कि आप देख चुके हो। तो साथियों ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 3 नंबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। 1 का मतलब जानते हो, अभी हम आपको और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर बोलेंगे तभी आप समझ पाओगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान देना। एक अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य भाज्य दोनों बात हो रही, ध्यान से सुनना। कह रहा कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को शामिल नहीं किया जाता है, मतलब जिनको छोड़ दिया जाता है, वो कौन से गुणनखंड हैं। आपने देखा होगा जैसे ये भाज्य संख्या है 9, इनके गुणनखंड 3 × 3 है ना, और क्या है, इस तरह से आप बहुत सारी संख्याएं देखते होंगे उनमें कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाता है ना। जैसे 12 देख लो, ये 2 × 2 × 3, तो इसमें एक गुणनखंड होता है 1, ये सब में रहता है, ये दोनों तरफ रहता है, मामा माही रहिए, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1 को नहीं लिया जाता, छोड़ दिया जाता है। इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ोगे पता है, इंग्लिश मीडियम वालों की बुक में दिया होगा, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा कि राइट द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट टर्म्स ऑफ इट प्राइम नंबर। अच्छा, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए और इसके प्राइम नंबर की टर्म को एक्सप्रेस करिए। क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब वर्णित करना है या विस्तृत करना है। तो चलो देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई साहब, आ जाओ जल्दी से, फिर हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से सुन लो 4 नंबर का कहता है, कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए तथा उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बुझा रहा होगा ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख करके उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इधर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की, ये तो सबड़ी लिख उठा भाई, सबसे बड़ी लिखना था यार, सबड़ी नहीं, सबसे बड़ी संख्या हाँ क्या होगी, चलो बताओ। 4 अंक की बोला है तो 9 9 लिख दो 4 बार, हो गया काम खत्म, ओके डन। तो ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब का कहता है, कह रहा कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए मतलब वही फैक्टर ट्री बना लीजिए। तो चलो भाई साहब, इसको हम लिख सकते हैं 2 पार्ट में, कौन कौन सा, इसे आप लिख सकते हो 333 और 3, लिख सकते हो ना। 333 को 3 में जब गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा, ये 3333 होगा 4 बार, ओके। 3 को आप 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, 3 और 1 है ना। इसी तरह से आप जो 333 है बच्चा राम, आप लोग समझो इधर, ये 333 नहीं है भाई साहब, 3333 है, इसे आप 3 × 1111 के रूप में तोड़ सकते हो। अब 1111 कहीं नहीं टूटेगा, कि टूटेगा, टूट सकता है के में, 101 और 11 में टूट जाएगा, ये किस में, 101 और 11 में, लेकिन इसके नीचे फिर कोई उपाय नहीं है, इसके नीचे नहीं टूटने वाला है। यानी कहने का ये मतलब है कि 9999 को आप लिख सकते हो 3 × 3 गुड़ा और का आया है 11 और गुड़ा 101, ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। बात समझ में आई ना,
नहीं समझ में आई तो फिर बता देना। देखो फैक्टर ट्रिक की तरह भी इन्हें कर दिया और सिंपल तरह से भी कर दिया, दोनों तरह से आपको सिखा दिया। कमेंट करते रहो फटाफट। कक्षा 6 की NCERT मैथ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, बस समझते चलना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर का कहता है भाई साहब। पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से सुनना। कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख लोगे कि नहीं? एक लिख के 4 0 लगा देना, एक लिख के 4 0 लगा देना, मतलब कि 10,000 हो जाएगी। और 10,000 को ऐसे गुणनखंड करना जैसे मैंने बताया है, इसको मैं नहीं बताने वाला, कर लेना जल्दी से करो तुरंत। 1,000 नहीं लिखोगे, 10,000 लिखोगे, 10,000 लिखो और 10,000 लिख करके उसको क्या करोगे, जैसे मैंने अभी बताया ये फैक्टर ट्री ऐसे कर लो। और कॉपी पेन लेकर के बैठिए तब मज़ा आएगा, अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे चुपचाप मुंह बना के ना तो मज़ा नहीं आएगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। कॉपी पेन लेके बैठोगे डेली तब मज़ा आएगा। यूट्यूब पर फ्री लाइव क्लास का टाइम सुबह 7 बजे से है, फरवरी 2020 की अपडेट है, फिर टाइम अपडेट होता है तो आप संपर्क करें PVR स्टडी के ऑफिशियल नंबर पर। छठा में आ जाओ। 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में यदि कोई संबंध है तो फिर वो भी बता दीजिए, रिलेशन भी बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर छठा, 1729 के अभाज्य गुणनखंड, देखो यार ये जाना पहचाना नंबर लग रहा है, 1729। लिख सकते हो ना 1729 के अभाज्य गुणनखंड कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना 7 × 7 = 49 = 343, ये 7 की उसमें आता है, इसको ऐसे काट सकते हो, कैसे ऐसे 1729 है ना, 7 से भाग करो, 7 × 2 = 14 हो जाएगा 32, 7 × 6 = 28, 4 × 5 = 7 = 49। आप किससे कटेगा ये 7 से कटेगा क्या? 7 × 21 नहीं कटेगा, काट के देख लो भाई साहब, 13 से कटेगा अभी ये, 13 × 13 घटा गया, कितना बचा 13, 7 × 4 = 11, 117 बन गया, 13 × 9 = 117 ना 19, ये इसके अभाज्य गुणनखंड थे। नहीं काटना आता तो कमेंट करके बताना, चूंकि कक्षा 6 में पहुंच गए अब हम लोग, ये 1729, इसे अगर आप फैक्टर ट्री के रूप में देखोगे तो ऐसे बनेगा, इसके 2 पार्ट होंगे, पहले कौन कौन से होंगे, 1 7 होगा और 1 247 होगा, 247 के 2 पार्ट होंगे 13 और 19, ये बस ऐसे ही, इसके आगे कुछ ना जाएगा। ये फैक्टर है इन नंबर के, द डिफरेंट 2 कंसेक्यूटिव प्राइम कम फैक्टर इज 6, ये कौन सी मुसीबत है भाई, क्या पूछा था? और इसमें एक और पूछा था, कह रहा कि अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध है तो लिखिए। क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में यदि कोई संबंध है, यार मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई संबंध है, नहीं है ना? हाँ यही संबंध है कि ये जो है 13 जो है ये 19 से 6 कम है या 6 ज़्यादा है, तो आप इसमें 6 लिख सकते हो, बाकी और कोई उपाय तो नहीं लग रहा मुझे, ठीक ना? तो ये आपका ख़त्म हो गया छठा। सता नंबर क्या कह रहा है, सता क्वेश्चन देखो। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है, इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल सदैव 6 से विभाजित होता है, तो इसे कुछ एग्जाम्पल से बताओ। देखो यार एमंग द 3 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब क्रमागत संख्याएं, देयर मस्ट बी 1 इवन नंबर एंड 1 मल्टीपल ऑफ 3। अगर इस तरह से कहीं कंडीशन आती है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग गुणनफल जो है 3 से विभाजित हो रहा है,
तो उसमें एक संख्या जो है वो सम संख्या जरूर होगी, ठीक ना। द प्रोडक्ट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 6, और जो प्रोडक्ट है, जो संख्या है, वो फिर 6 का मल्टीपल अवश्य होगी, ठीक ना। एक बार फिर से सुन लो और फिर हम सोल्यूशन कर देते हैं। हिंदी में भी सुन लो, इंग्लिश में भी सुन लेना। हिंदी में कह रहा है, का कह रहा है, कह रहा कि तीन कर्मागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। मतलब मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट 6 का, ठीक ना, 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ एग्जाम्पल से व्यक्त कीजिए। चलो एग्जाम्पल लिख लो। पहला एग्जाम्पल, तीन कर्मागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है। द्वितीयाई 6 चौक 24। ये देखो तीन कर्मागत संख्याएं हैं, इनका हमने योग गुणनफल किया तो 24 आया, जो कि 6 से कट रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में लिख लो, पाँच और कहा है भाई साहब, 4 भी है, 4 5 6 4 5 6 20, 6 का 120। देखो ये भी 6 से कटेगा, ये भी कटेगा। हो गया ना एग्जाम्पल, नोट कर लो। हो गया सब, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों इसको क्लिक करें, हो ही नहीं रहा। किसमें नेट नहीं चल रहा होगा, देखिए नहीं चलेगा, ठीक ना, समझ गए ना। तो नोट कर लो आप सभी, ये हो चुका है। उसके बाद 7वां हो चुका है, 8वां में देख लो। 8वां में देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान दो। 8वां नंबर देख लो क्या कहता है। कह रहा कि दो कर्मागत संख्याओं विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। दो कर्मागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है, तो कुछ एग्जाम्पल दे करके इसकी पुष्टि करो। तो भाई साहब कुछ दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी। कोई दो ऐसी कर्मागत विषम संख्या बताओ जिनका योगफल 4 से पूरी तरह कट जाए। यही तो कह रहा है ना, दो कर्मागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य है। तो एग्जाम्पल दे के बताओ कौन से हैं ऐसी संख्याएं। कर्मागत विषम संख्या मतलब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, उनका जो सम है यानी जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो 4 से पूरी तरह विभाजित है, कर्मागत हो और सम भी हो। तो चलो देख लो, 8वां में कर्मागत सम संख्याएं 3 और 5 हैं, जोड़ोगे तो 8 आएगा ना, 8 आएगा ना, और किससे विभाज्य बोल रहा है, 4 से। ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, अगली कर्मागत दो संख्याएं हैं जो विषम हैं, 5 के बाद 7 आती है, 7 5 12 आता है, देखो 12 भी क्या है, 4 से डिवाइड है। तीसरा भी देख लो भाई साहब, 7 और 9 है, 9 7 16, ये भी 4 से कटेगा। 9 11 11 9 20, ये भी 4 से कटेगा। हो गया ना एग्जाम्पल, दो कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल 4 से विभाजित होता है। इसको कुछ एग्जाम्पल से सहाय मतलब सिद्ध कीजिए, तो मैंने कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर लेकर के, ध्यान से देखना, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को पूरा देखना है यार, बिना स्किप किए। अगर मैथ सीखना है तो पूरा देखना ईमानदारी से। नंबर 9 में कह रहा कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। 2 3 और 4 अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं इन द एक्सप्रेशन बी सी। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड किसमें किसमें किए गए हैं ये पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं का मतलब समझ रहे हो कि नहीं। देखो पहले मतलब समझ लेना, किसी भी चीज़ का सबसे पहले नाम आना चाहिए। बाबा बाबा फफीम खा, तो बाबा ने कहा बट्टा पहले नाम ले सिखला, फफीम नहीं होके अफीम बोला जाता, ठीक ना। तो पहले आप लोग नाम लेना सीखिए, तब फिर काम करना सीखिए बाद में। तो क्या कह रहा है, कुछ संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। जैसे 24 का दिया गया है 2 गुणा 3 गुणा 4, और एक और नंबर दिया है 56, 56 का दिया है 1 7, और फिर कहा है भाई साहब ये गुणा चिन्ह लगा दिया हूँ यार, लेकिन थोड़ा सा जो हाथ है ना वो अलग चल रहा है, दिमाग अलग चल रहा है, इस वजह से स्पीड ज़्यादा हो जा रही है। ये 2 2 और ये 2, ये दिया है ए है, ये बी है, और ये का है सी है, एक टी ओ में है 54, और ये 2 गुणा 3 गुणा 9। कह रहा किनके
ये अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। गुणनखंड तो सब में किए गए हैं, तीनों में फैक्टर निकाले गए हैं, लेकिन किन में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, ये बड़ी मुसीबत वाली बात पूछा है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है। इसमें अभाज्य गुणनखंड किस में किए गए हैं, देखो, जिसमें कोई गुंजाइश ना हो फिर दोबारा, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ किए गए हों, वही अभाज्य गुणनखंड हैं। उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं पाओगे जिसको आप दोबारा से तोड़ मरोड़ सको, है ना। लेकिन ये सब कामचोर हैं, बेमानी कर रहे हैं ये। इनमें अभी आप इनको फैला सकते हो, और ये 2 × 3 × जो 9 लिखे हैं ना, 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हो अभी, यानी इसमें अभी आप चेंजिंग कर सकते हो, इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें भी देखो अभी 4 बचा है, 4 को आप लिख सकते हो, इसे फाइनल में अगर करोगे तो 2 × 2 इतना आएगा, ये इतना नहीं आएगा, यानी अभी उसमें गुंजाइश थी तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं था, ये अभाज्य गुणनखंड था चूंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। समझ गए ना। तो ये हो चुका आपका भाई साहब। 10वां नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि बिना भाग किए ज्ञात कीजिए, क्या 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है। बड़ी लंबा क्वेश्चन पूछा है भाई। कह रहा बिना भाग किए, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए, क्या 25110 45 से पूरी तरह से विभाज्य है। बड़ी मुसीबत वाला सवाल है। चलो इधर देखते हैं। 25110 कह रहा कि बिना भाग किए बताओ क्या ये 45 से पूरी तरह से विभाज्य है। कौन सा दिमाग लगाओगे। देखो हम दिमाग ये लगाएंगे कि हम 45 को तोड़ डालेंगे 5 और 9 में। हाँ, 5 और 9 में तोड़ डालेंगे तो होगा क्या, क्या होगा बताओ। दो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। अगर इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों से ये संख्या कट रही है, इसका मतलब 45 से भी कटेगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि शेर से शेरी पैदा होते हैं, शेर से गीदड़ नहीं पैदा होते हैं, चूहा से चूहा ही पैदा होते हैं, चूहों से बंदर नहीं पैदा होते हैं, ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही लागू होता है। तो चलो विभाज्यता नियम पढ़ लियो 5 और 9 का। 5 का विभाज्यता नियम होता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 0 आ जाए तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी इनकी सेटिंग तय हो गई, ये 5 से विभाज्य हैं क्योंकि इनका लास्ट डिजिट 0 है। 9 का विभाज्यता नियम होता है कि यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लिया जाए तो उनका योगफल अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जोड़ डालो सभी को, 5 2 7 1 8 1 9, 9 में 0 जोड़ोगे 9 कितना आएगा, 9, यानी दूसरे वाली की भी सेटिंग हो गई। जब इन दोनों की सेटिंग हो गई तो फिर तीसरा क्या करेगा इसमें, इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से विभाजित है। क्यों, क्योंकि ये 5 और 9 दोनों के विभाज्यता नियम का पालन करता है। कहावत आपने सुना होगा कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करिए काजी, है ना। अरे सब बड़ी पुरानी पुरानी कहावतें हैं लेकिन आपके काम की हैं, यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ भूलोगे नहीं कभी अगर याद रखोगे तो। तो इस तरह से आप कहीं भी लागू कर सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का कहता है, इसको भी देख लो। 11 नंबर क्वेश्चन का कहता है, कह रहा कि संख्या 18 2, ऐसा नहीं पढ़ने का तरीका गलत है, फिर से सुनो। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, या 2 × 3 = 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। जिस तरह से 18 2 और 3 से विभाज्य है, 2 और 3 के गुणनफल से भी विभाज्य है, उसी तरह से एक संख्या और है जो 4 और 6 से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वो संख्या 4 × 6 = 24 से भी विभाज्य होगी। यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। भाई कौन सी बकौलोली वाला क्वेश्चन पूछ लिया ये। जब कह रहा है कि ये नियम फलाने के यहाँ लागू होता है तो फिर क्या ढकाने के यहाँ नहीं लागू होगा, होगा लागू ना, देख लेते हैं। नंबर 12 इज डिविजिबल बाई बोथ 6 and 4 बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 24। बिल्कुल जो महेंद्र जी ने कहा वो जरूरी नहीं है। फलाने के मान लो शाकाहारी हैं, ढकाने के यहाँ मांसाहारी हैं, तो झगड़ा बकरा खा लेते हैं तो वो लोग थोड़ी खाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना। देखो ये क्या कह रहे थे, इनका पहले पूरा क्वेश्चन एक बार ठंडे दिमाग से फिर से सुन लो, क्योंकि अगर समझना है तो सुनना पड़ेगा, और दुनिया में जीना है तो सुनना सीख लो, क्योंकि सुनाने वाले बहुत मिलते हैं,
है ना, कह रहा कि संख्या जो 18 है ये 2 और 3 दोनों से पूरी तरह विभाजित है। दूसरी कंडीशन है कि संख्या 18 2 और 3 का गुणनफल जो है 6, इससे भी पूरी तरह से विभाजित है। दुनिया जान रही, डंके की चोक पे दिख रहा है ना। तो इसी तरह से ये इन्हीं का एग्जाम्पल देख करके कि हाँ भाई फलाने तो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हम भी करेंगे इसे। देखो कह रहा कि एक संख्या जो 4 और 6 से दोनों से विभाजित है, एक संख्या कोई और है पता नहीं कौन संख्या है, कोई भी है, 4 और 6 से विभाजित है, और ये भी बोल रहा है कि वो संख्या 4 और 6 के गुणनफल क्या 24 से विभाज्य होगी। फिर ऐसा पूछ रहा है कि जैसे ये 18 जो है 2 और 3 से कट रही है, और क्या बोल रहा है, और हाँ 2 और 3 से कट रही है, और 2 और 3 के गुणनफल 6 से भी कट रही है, उसी तरह एक संख्या कोई है जो 4 से भी कट रही, 6 से भी कट रही, और उनके गुणनफल 24 से भी क्या कटेगी। ऐसा नहीं कह रहा कि हाँ ये हो रही, क्या कटेगी पूछ रहा है। अगर नहीं कटेगी आपको लग रहा है तो एक एग्जाम्पल बताओ कैसे ना कटेगी। वेरी सिंपल सी बात है यार, देखो नहीं कटेगी, इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक संख्या है 12, 12, 12 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, कटेगी ना, मतलब पूरी तरह डिवाइड होगी, जीरो शेषफल आएगा, और क्या उसकी मर्डर नहीं करना है, समझ रहे हो ना। तो 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 12 होगा ना, लेकिन 4 और 6 का गुणनफल जो 24 है, इस 24 से ये 12 नहीं कटेगी, क्योंकि उससे छोटी हो जाएगी। बात समझ गए ना, समझ गए ना, तो नोट कर लो, जल्दी से छाप लो फटाफट, लिख लेना सफाई में नीचे स्पष्टीकरण में। चूंकि संख्या 4 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या 12 है, जो कि 4 और 6 से तो पूरी तरह अलग अलग कटेगी, विभाजित होगी, लेकिन यह 4 और 6 दोनों के गुणनफल अर्थात 24 से कभी भी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। बात बुझा रही ना, समझ में आ रही ना, तो नोट कर लो फट से। हो गया, अब उसी में 10 वाले में कर दीजिए, 10 वाले में, उसी में 10 वाला खोलिए, ऊपर 10th कोर्स में जाके देखिए। 12 नंबर कह रहा कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। इतना प्यार से अगर कोई बोलेगा तो फिर कौन छोड़ेगा। चलो बताओ, फिर से एक बार सुनो। कह रहा कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। जरा गौर करना दिमाग लगा के, 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, तो क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है यार। देखो अभाज्य संख्याएं होती कहाँ से स्टार्ट, पहले तो ये जान लो आप, इनकी जो शुरुआत है, इनकी जनरेशन कहाँ से होती है। अगर आप ये जान लिए तो वहीं से शुरू करके 4 संख्या पकड़ लो बस। कुछ लोगों के मन में भ्रम बैठा रहता है कि एक अभाज्य संख्या है, एक जो है ना ये बिरादरी से बाहर है, ये बिरादरी से बाहर है, ये ना भाज्य है ना अभाज्य है, 0 भी वैसे ही है, ठीक ना। इनकी कहानी शुरू होती 2 से, 1 से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक ना भाज्य का पालन करता है ना अभाज्य का। तो अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, तो 4 संख्या लिख लो, 2, 3 और क्या होगा, 5 और 7। भाई यही तो है शुरू शुरू की 4 अभाज्य संख्याएं, 2, 3, 5, 7। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, भूल जाना आज से कि अगर भाज्य बात सोच रहे हो तो। इन्हीं का गुणा कर लो बस, हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा, 210। बात समझ में आई ना। तो इसने क्या कहा था, कहा था कि मैं 4 कर्मगत अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से बनने वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन हूं मैं। तो ये आ चुकी है बाहर, ठीक ना। तो इस तरह से आपका 3.5 खत्म हो चुका साथियों, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक एक्सरसाइज हम एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, और आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। अगर मैथ सीखना चाहते हैं, इसे कहीं भी डेमो के रूप में देख रहे हैं यूट्यूब या फिर फेसबुक पर, तो PVR स्टडी का ऐप डाउनलोड करें और वहाँ से पूरी मैथ आप सीख सकते हैं घर बैठे। कोई भी सुझाव है, कोई भी शिकायत है, निसंकोच आप हमें बताइए। और हाँ, रेगुलर क्लास का जो फ्री टाइम है यूट्यूब पर, वो सुबह 7 बजे इस समय चल रहा है फरवरी में, लेकिन आपको रेगुलर कब तक मिलेगा ये कोई भरोसा नहीं है। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ही विजिट करें PVRstudy.com और वहाँ पर सर्च करें 0 लेवल मैथ, सारी फ्री कोर्स उपलब्ध जो भी हैं वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इन नंबरों पर आप सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच फ़ोन कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, 24 घंटे कभी भी। मिलते हैं फिर, जय हिंद।
और चलते चलते एक निवेदन होगी कि इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करके जाना, जिससे कि कर भला तो हो भला और दूसरे लोगों को भी मिल सके, ठीक ना। तो शेयर अवश्य करना, जिससे कि हमारी कोशिश हो आपके लिए बिल्कुल फ्री की क्लासें उपलब्ध कराई जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएगा तो पक्का क्लास मिलेगी।